मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मूव फॉरवर्ड इन मल्टीप्लाई. लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स. 45 मल्टीप्लाई 2, 2 5 जा 10. सो राइट हेयर 10, 0 इज राइट हेयर एंड 1 इज कैरी. 2 4 जा 8, 8 और 1 एड 9, द आंसर इज 19. नेक्स्ट एग्जांपल 46 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42. यू टू राइट हेयर 2 हेयर एंड 4 इज कैरी. 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32. द आंसर इज 322. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 7 इन इंग्लिश. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डोंकी फाइंड. डोंकी को क्या मिला. फाइंड मीन मिलना, कुछ मिलना. आंसर, द डोंकी फाउंड अ लॉइन स्किन. डोंकी को किसकी स्किन मिली थी, लॉइन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द फार्मर अफ्रेड ऑफ द डोंकी. जो फार्मर्स थे, कृषि थे, वो डोंकी से क्यों डर रहे थे. द फार्मर्स वर अफ्रेड ऑफ डोंकी बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि. दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट इट इज़ अ लॉइन. उन्होंने क्या सोचा, फार्मर्स जो थे वो डोंकी से डर गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये कौन है, एक शेर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द डोंकी हैप्पी. आंसर इज, द डोंकी वॉज हैप्पी बिकॉज ही कुड ईट टू हिज फिल. कि वो क्यों खुश था, डोंकी जो था क्यों खुश था. डोंकी इसलिए खुश था क्योंकि वो अपने पेट भरने तक ईट कर सकता था ग्रास को. जो उनका फील्ड था उसमें वो अपने, जब तक पेट नहीं भर जाता तब तक वो ईट कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, हाउ डिड द फार्मर्स कम टू नो दैट ही वॉज अ डोंकी. जो फार्मर्स थे उनको कैसे पता चला कि वो एक डोंकी है. आंसर इज, द फार्मर्स कम टू नो. कम टू नो मतलब उनको तब पता चला दैट कि ही वॉज अ डोंकी, कि वो एक डोंकी है. वैन, जब. वैन मीन्स जब. ही बिगेन, बिगेन्स मीन शुरू करना. टू ब्रे, उसने जब ब्रे ब्रे करके अपनी वही ओरिजिनल आवाज निकालनी शुरू करी तो फार्मर्स को पता चल गया कि वो एक डोंकी है. सो थैंक यू.